फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है गोली चली है पेंसिल्वेनिया में साभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फाइल लेकिन अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने हिंसा और लोकतंत्र पर ही अमेरिका को घसीट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में हिस्सा की कोई जगह मोदी की हुकूमत में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें एक गोली नहीं चली जब की के खिलाफ कोई लीडर जाए वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का लीडर क्यों ना हो वो काबले कबूल नहीं होता और उसमें कोई ऐसा वाक्य हुआ ये बात माननी पड़ेगी आपको मुल्क की को एक मुल्क की है एक आलमी कि वैसी डेमोक्रेसी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका कोई मिसाल नहीं है उसकी कोई नहीं मिलती और जैसे उन्होंने करके दिखाया जो इलेक्शन उन्होंने करवा के दिखाया क्यों ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है ये बोला है कि मैं आते ही दो काम करूंगा मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में जैसे पहले करी थी 2016 में ये लिख रहे हैं कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो क्राइसिस में है और देखिए वाकया तो ऐसा ही हुआ है और दूसरा ये काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं कभी इसराइल हमास का कभी रशिया का यूक्रेन के साथ ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूंगा इंडिया अमरीका की अब नहीं सुनने वाला मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है गोली चली है पेंसिल्वेनिया में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप अपनी रैली में स्पीच कर रहे थे और उसी वक्त स्पीच के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो गोली उनको लगी उनके सर के पास से गुजरी है और उनके कान को टच किया है उस गोली ने और वो जख्मी हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप पर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उनको कत्ल करने की कोशिश की गई पेंसिल्वेनिया बटलर में एक रैली के दौरान लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक लकी फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक लकी इंसान है कि वो बच गए इसमें मैं आपको बताती हूं कि इसके फौरी बाद जब उनके पर ये आ, किया गया तो वो इस तरीके से ये तस्वीर सामने आई डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि जिस वक्त उनको गोली मारी गई उनके ऊपर फायर किया गया वो नीचे बैठे हैं फिर कुछ देर उनको लगी कि तमाम जो उनके थे बॉडी वो उनके पास आ गए और उन्होंने उनको घेरे में ले लिया उनको कवर किया सब उनके ऊपर एक तरीके से जैसे लेट जाते हैं जब किसी को बचाते हैं उस तरह किया फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठे हैं तो उनके कान से और जो उनका खून था वो निकल रहा था और वो उन्होंने अपनी फिस्ट जो है वो फजा में बुलंद की और उन्होंने कहा फाइट देखिये यहाँ पर अमेरिका में हम चैंपियन बनते हैं ना ह्यूमन राइट्स के डेमोक्रेसी के हर चीज के लेकिन ये अभी ये बात की जा रही है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ये आफ्टर ट्रम्प अटेम्प्ट जो हुई है उनके ऊपर भारत का इलेक्शन अमेरिका के इलेक्शन से बहुत बड़ा था सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ये सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसीवल हुआ इलेक्शन का एक गोली नहीं चली ये देखिए आप एक गोली नहीं चली एक ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन पर तो गोली चलने की दूर की बात अमेरिका के इंडिया के इलेक्शन में किसी पर भी किसी रैली में किसी जलसे में किसी मीटिंग में कहीं पर कोई गोली नहीं चली हैट्स ऑफ टू इंडियन डेमोक्रेसी हैट्स ऑफ टू इंडिया रियली ये आप देखें अभी जिस जैसा मैंने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी वैसे तो इंडिया बनता है लेकिन कहा जाता है ना कि हम, हम, हम जनमुरियत की बात करते हैं अमेरिकी जनमुरियत की बात करते हैं सब कुछ तो यहां पर भी है दोस्तों अमेरिकनাবেক अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक रैली के अंदर जो है वो गोली लगी है आ, ये कहना कि सारी गोली लगी है कैसे गोली लगी है आ, कैसी गोली थी ये तो अभी पता नहीं चला लेकिन ये पता है कि उनको गोली लगी है और गोली उनके कान पे लगी है वो रैली में खताब कर रहे थे और जो गन फायर शॉट हुई तो उन्होंने देखा कि उनको यहाँ पे कुछ सारी बात है जलन हुई होगी या कुछ हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि ये क्या है तो उन्होंने जब चेक किया तो खून था सीक्रेट सर्विस जो फौरन है उनके ऊपर आके गिर गई और फिर उन्होंने उनको इंडाइट करने की कोशिश की फिर उन्होंने उसको जेल में डालने की कोशिश की और अब उन्होंने उसको जो है वो असेसिनेट करने की कोशिश की एक ऐसी वीडियो भी आ रही है जिसमें सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर जो है वो एक तरफ निशाना लेके खड़ा है और गोलियां होने के बाद वही स्नाइपर शूट करता है वो निशाना लेके किसी का खड़ा है ये सारे डॉट्स कुछ और बता रहे हैं और मैं भी स्पेक्यूलेट नहीं करना चाह रहा लेकिन डॉट्स तो कनेक्ट करने हैं ना देखें पूरी दुनिया में इस्टैब्लिशमेंट एक ही तरीके से काम करती हैं उनके मकासद के रस्ते में जो भी आता है फिर वो जे एफ कैनिडी क्यों ना हो और उसकी गलती ये क्यों ना हो कि वो कहे कि बरतानिया का कोई हक नहीं था कि वो इसराइली रियासत कायम करता फलस्तीन के ऊपर जब इस्टैब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ कोई लीडर जाए वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का लीडर क्यों ना हो वो काबले कबूल नहीं होता उस मुल्क की एक मुल्क की आपको बता दूं और सब कुछ सिक्योर नहीं था एक बंदा अगर अचानक मार देता क्राउड से मैं समझ सकता था आई विटनेस कहता है, वो एक छत से दूसरी छत दूसरी छत से तीसरी छत पर जा रहा था तो आई विटनेस ने देख लिया आम बंदे ने सीक्रेट सर्विस ने नहीं देखा यह मुमकिन है हम तो डॉट ही कनेक्ट कर सकते हैं फिलहाल इतनी बात करेंगे कि जो रेड लाइन ट्रंप पे लगी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो मेरे ख्याल में अब मिटने जा रही है अब आते हैं और ये मैं आपको एक आइकॉनिक तस्वीर भी दिखा देता हूँ जब ट्रंप गोली लगने के बाद गिरा तो ये देखें नीचे से उसकी किसी ने आइकॉनिक तस्वीर बनाई है और ये यकी आप देखेंगे कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगी ये तस्वीर भी और जो ट्रंप ने ऐसे हाथ किया हुआ है बिल्कुल इमरान खान की कॉपी कर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के जो लोग उसको गाइड करने वाले हैं एडवाइजर्स जो हैं वो इमरान खान वाली स्ट्रेटजी पर ट्रंप को चला रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों सिमिलर नजरियात रखते हैं लेकिन ट्रम्पर वन ट्रंप को रस्ते से हटाने में नाकाम हो गए और अब यह सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन ट्रंप इन्हें मिटा के दिखाएगा ये बात सब जानते हैं कि इस अटैक के बाद जो ट्रंप का वोटर अगर ट्रंप से कुछ पीछे भी हट गया था वो भी वापस आ जाएगा बल्कि वो लोग जो फेंड्स पे बैठे थे उनका सिंपथी वोट भी अब ट्रंप की तरफ जाएगा लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है अपार्ट फ्रॉम कि अब सिर्फ का बाकी है इलेक्शन एक मेयरिटी रह गया तो चाइना को सीधे सीधे टारगेट किया तो ये कुल ही हो सकता है चाइना की साइड से भी हो चाइना को सबसे ज्यादा हेट करते हैं सबसे ज्यादा हेट करते हैं रशिया के साथ में पैक्ट साइन किया जिस मतलब एक अनसेट पीस ट्रीटी थी ट्रंप के ड्यूरेशन में कि शांति रहे लड़ाई ना करें झगड़ा ना करें वी शुड नॉट टारगेट देम एंड इट्स नॉट द एनिमी दिस इज व्हाट ट्रम्प सेड रशिया इज नॉट द एनिमी चाइना इज चाइना को इस बात से बहुत मिर्ची लगी थी आपको पता है चाइना ने स्पेशली एक मेल लिखी थी कुछ एक लोगों को जिसके लिखने के बाद में ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया गया था ट्रम्प का बिकॉज ट्रंप वाज हार्मिंग चाइना मोर देन एनी एल्स कुड एवर डू